नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है गजानंद माधव मुक्तिबोध की बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित कविता अंधेरे में। यह उनकी सबसे लंबी कविता मानी जाती है जिसे यूजीसी नेट के सिलेबस में शामिल किया गया है और विभिन्न विश्वविद्यालयों के सिलेबस में भी इसे पाठ्यक्रम में या फिर सिलेबस में शामिल किया गया है। तो यह जो लेक्चर है आज का, यूजीसी नेट की परीक्षा हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो या फिर यूपीएससी की परीक्षा हो, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। आज हम इसमें देखेंगे कि अंधेरे में कविता का सारांश क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, प्रतिपाद्य क्या है, विषय वस्तु क्या है, इसकी भाषा शैली क्या है और भी बहुत सारी बातें हैं। विशेष रूप से जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर आधारित, तो सभी चीजों को मैंने इसमें समेट लिया है। तो निश्चित रूप से आज का यह मेरा लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। तो आप सबसे अनुरोध है कि इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए देखने का समझने का प्रयास करते हैं। तो गजानंद माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य में फैंटेसी शैली के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। और फैंटेसी क्या होता है? फैंटेसी कविता लिखने की एक टेक्निक है, एक प्रविधि है, एक तरीका है, एक शैली है। फैंटेसी के माध्यम से कवि एक संभाव्य संसार की रचना करता है, मतलब जो संसार वास्तव में है नहीं लेकिन जो संभावित है, जो उसके कल्पना लोक में है। मुक्तिबोध फैंटेसी को काव्य शिल्प का अनिवार्य अंग मानते थे। अंधेरे में फैंटेसी शैली की एक अद्भुत रचना है। गजानंद माधव मुक्तिबोध ने क्या कहा है फैंटेसी को? फैंटेसी को परिभाषित करते हुए गजानंद माधव मुक्तिबोध ने कहा है, फैंटेसी काव्य शैली को अनुभव की कन्या। तो यह प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है। अंधेरे में जो कविता है यह एक स्वप्न कथा है। फैंटेसी को यदि आप बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो मेरा एक इसमें लेक्चर है कि फैंटेसी क्या है, उसे जाकर आप जरूर देखें, तब इसे आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अंधेरे में जो यह जो कविता है यह वास्तव में एक स्वप्न कथा है, सपने में चलने वाली एक क्या है कहानी है। तो वास्तव में यह एक मनोवैज्ञानिक तरीके से लिखी गई कविता है। जैसे मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था मनोविश्लेषणवाद क्या है, तो उसको आप जाकर जरूर देखें क्योंकि यह कविता मनोविज्ञान पर आधारित है। उस कविता में मैंने बताया था कि जैसे यह मानव का मस्तिष्क है, यह तीन भागों में जो हमारा मन है, हमारा मन जो है, सिगमंड फ्रायड नाम के जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनके अनुसार हमारा मन जो है तीन भागों में विभाजित है। ये ऊपर वाला पहला भाग हो गया जिसे हम चेतन मन कहते हैं। तो ये वाला जो क्या है, चेतन मन हो गया हमारा, चेतन मन। और जो दूसरा भाग होता है यह हमारा होता है अवचेतन मन, अवचेतन मन। और जो तीसरा भाग होता है यह होता है अचेतन मन, अचेतन मन। चेतन मन का काम क्या होता है? हम अपने दैनिक जीवन में जो भी काम करते हैं या फिर सही गलत का जो फैसला करते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण से क्या सही है क्या गलत है, मतलब जब हम जागरूक रहते हैं, जागते रहते हैं, तो चेतन मन के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हुए कोई भी निर्णय लेते हैं, कोई भी काम करते हैं। अवचेतन मन में मैं बाद में आऊंगा। और जो सबसे निचले वाला हिस्सा है अचेतन मन, सबसे नीचे वाला हिस्सा क्या है, अचेतन मन है, जो गहरी गुफा की तरह रहता है और जिसमें हमारी दमित इच्छाएं या फिर वो इच्छाएं जो वासनाएं वहां पर विद्यमान रहती हैं जो किसी कारण से पूरा नहीं हो सकती, जो कि सामाजिक जो हमने ताना बाना जो है हमारा समाज, न्याय कानून, इन सब चीजों को देखने के कारण जो इच्छाएं हमारी अतृप्त रह जाती हैं वे अचेतन मन में रहती है। लेकिन जब व्यक्ति सो जाता है तो जो अचेतन मन में जो इच्छाएं विद्यमान है ये कहां पे आ जाती है, ये यहां पे आ जाती है अवचेतन मन में, मतलब सबकॉन्सियस माइंड में। और जब सबकॉन्सियस माइंड में आ जाती है तो वे इच्छाएं हमें स्वप्न के रूप में दिखाई देती है। तो चेतन मन हो गया कॉन्सियस माइंड, अवचेतन मन हो गया सबकॉन्सियस माइंड और अचेतन मन हो गया अनकॉन्सियस माइंड। तो अवचेतन मन, इस कविता में हम देखेंगे चेतन मन। कवि का जो चेतन मन है वह क्या है, मैं। कवि का चेतन मन जो है वह है मैं, और कवि का जो अवचेतन मन है वह क्या है, वह। तो यहां पर दो मन है कवि के, एक है चेतन मन है मैं, जो सही गलत का फैसला करता है, जो जागरूक रहकर सारा काम करता है, और दूसरा है अवचेतन मन जिसमें वह स्वप्न देखता है, अनकॉन्सियस माइंड हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर्द्वंद जो चलता है कवि का, उसे इसमें विस्तार से इसकी व्याख्या की गई है और कवि ने इस आधार पर इस कविता को लिखा है। तो मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा है, यह इनके संकलन में संकलित है
और चांद का मुंह टेढ़ा है जो इनका कविता संग्रह है, इसमें मुक्तिबोध की 28 कविताएं संग्रहित की गई हैं, जिनमें अंधेरे में कविता सर्वाधिक चर्चित एवं प्रभावशाली कविता है। ये प्रारंभिक में जो पंक्तियां लिखा हूं परीक्षाओं में पूछी जाती हैं प्रायः। तो इनका चांद का मुंह टेढ़ा है इसमें 28 कविताएं हैं, और जिसमें अंधेरे में कविता सबसे लंबी कविता है और सबसे चर्चित और प्रसिद्ध कविता है, प्रभावशाली कविता है। सबसे पहले यह अंधेरे में कविता कल्पना नामक पत्रिका में सन 1964 ईस्वी में आशंका के द्वीप अंधेरे में शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। तो बाद में इस संकलन में आई है कविता, लेकिन इसके पहले जो कल्पना नाम की पत्रिका थी उसमें 1964 ईस्वी में इसमें क्या शीर्षक से प्रकाशित हुई थी, आशंका के द्वीप अंधेरे में। तो ये सारी बातें परीक्षा में पूछी जाती है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, तो इसे आप जरूर याद रखें। तो यह कविता कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद अंधेरे में कविता कवि की प्रतिनिधि कविता है और इसकी रचना 1957 से लेकर 1962 तक हुई थी। इतने लंबे समय तक उन्होंने लगभग 5 साल तक इस कविता को लिखा। अंधेरे में कविता मुक्तिबोध की सबसे लंबी कविता के रूप में जानी जाती है। तो यह इनकी सबसे लंबी कविता है। ये जो पंक्ति मैंने यहां पर लिखी है यह परीक्षाओं में पूरा प्रायः पूछी जाने वाली पंक्ति है। ये दो मैंने लिखा यहां पर, जो दो स्टेटमेंट मैंने यहां पर लिखे हुए हैं दो बड़े बड़े विद्वानों के, शमशेर बहादुर सिंह जाने माने कवि हैं, उन्होंने इसे क्या कहा है, अंधेरे में कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। तो यह प्रायः ही परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किसने इसे स्वतंत्रता या पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा है, तो शमशेर बहादुर सिंह ने कहा है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकत्रीकरण है, मतलब इसमें कवि का व्यक्तिगत जीवन सामाजिक जीवन के साथ इसका एकत्रीकरण कर दिया गया है, व्यक्ति की जो निजी भावनाएं हैं उसका साधारणीकरण करने का प्रयास किया है। तो यह शमशेर बहादुर सिंह का मेन तो आपको स्टेटमेंट याद रखना है कि यह एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसके बाद प्रभाकर माचवे जी ने भी जो कहा है, ये भी एक जाने माने कवि हैं, यह भी स्टेटमेंट प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऊपर जो बताया हुआ तो आपको याद रखना ही है। प्रभाकर माचवे ने कहा है कि अंधेरे में ज्वेरनिका इन वर्सेस है, इसके बहुत से अंश पिकासो के विश्व प्रसिद्ध चित्र जैसा ही प्रभाव डालते हैं। तो अब ज्वेरनिका क्या है, ज्वेरनिका इज अ लार्ज 1937 ऑयल पेंटिंग बाय स्पेनिश आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो नाम के जो आर्टिस्ट हुए हैं स्पेन में, उन्होंने 1937 में एक ऑयल पेंटिंग बनाई थी, तो बहुत ही चर्चित यह पेंटिंग रही है। इसी प्रकार इनकी जो कविता है अंधेरे में इसी प्रकार का प्रभाव डालती है। ये दोनों स्टेटमेंट इस कविता के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अंधेरे में कविता, अब हमारे यहां पर सारांश या फिर विषय वस्तु शुरू होती है इस कविता की। इसका विषय वस्तु क्या है, इसका सारांश क्या है। अंधेरे में मुक्तिबोध की लंबी कविता है। यह कविता 8 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में विभाजित है, 8 खंडों में यह कविता विभाजित है। पहले खंड में क्या है, जहां एक व्यक्ति अंधेरे कमरे में चक्कर लगा रहा है, रक्ता लोक स्नात पुरुष या अवचेतन मन है कवि का। अंधेरे में कविता में गहनतम अंधकार है, गुफा में बहुत गहन अंधकार है। यह अंधकार निराला की राम की शक्ति पूजा के अमा निशा से मिलता जुलता है। राम की शक्ति पूजा में जब भगवान राम रावण से पराजित होकर वापस आ जाते हैं तो एकदम गहन अंधकार है चारों तरफ, निराशाजन्य अंधकार है। अंधेरा सामाजिक व्यवस्था और व्यक्ति के अवचेतन दोनों स्तरों पर छाया हुआ है। तो निराशा की तुलना हम उससे कर सकते हैं भगवान राम की निराशा से, क्योंकि यहां पर अंधेरा सिर्फ सामाजिक व्यवस्था के स्तर पर नहीं है बल्कि व्यक्ति के अवचेतन मन में भी यह अंधकार या निराशा छाई हुई है। कविता के नायक में अंतर विरोध है। एक तरफ तो नायक जिंदगी के कमरों के अंधेरे में चक्कर लगाता है और दूसरी ओर वह शहर में सक्रिय गतिविधियों को देखता है। तो यहां पर कवि का जो मैं है वह उसका चेतन मन है और उसका जो अवचेतन मन है वह, इन दोनों के बीच अंतर द्वंद चलता रहता है कि चेतन मन तो सामाजिक गतिविधियों को देखता रहता है लेकिन उसका जो अवचेतन मन है वह परिस्थितियों को देखते हुए कवि के मय को, उसके चेतन मन को विद्रोह करने के लिए, कुछ ऐसी कविता लिखने के लिए या सामाजिक व्यवस्थाओं को दूर करने के लिए, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, असंतोष को दूर करने के लिए क्रांति करने का आह्वान करता है। लेकिन मय क्या है, एक मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी का जो चेतन मन है वह पहले अपना भला बुरा पहले सोचता है कि अपना लाभ हानि, उसके बाद वह किसी गतिविधि में संलग्न होता है, वह सुविधा उपभोगी होता है। तो यहां रक्तालोक स्नात पुरुष की कवि पूरी पहचान बताता है। रक्तालोक स्नात पुरुष कवि की परम अभिव्यक्ति है, वह कवि की प्रतिभा की पूर्णावस्था है। तो जो रक्तालोक जो स्नात पुरुष है वह कवि का अवचेतन मन है,
वह कवि की परम अभिव्यक्ति है। कवि जो भी श्रेष्ठ अभिव्यक्त कर सकता है उसका वह मूर्त रूप है, लेकिन उसमें उदात्तता नहीं है, उसमें कोई ग्रेटनेस नहीं है। कारण क्या है? वह फटा हुआ वस्त्र पहनता है, मतलब जिंदगी की जो तल्ख जो सच्चाई है, जो कड़वी सच्चाई, उसे वह जानता है। वह फटा हुआ वस्त्र पहनता है, उसका मुख मैला है, वह निराश है और उसके वक्ष पर घाव है। तो कवि का जो अवचेतन मन है वह जो आहत है, क्योंकि वह सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए कवि को प्रेरित करना चाहता है, लेकिन जो मैं है वह उससे राजी नहीं होता है। यह चित्र जीवन संग्राम में लड़ते हुए व्यक्ति का है। जीवन संग्राम में मतलब जैसे जो मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति है उसके मन में हमेशा अंतर द्वंद्व चलते रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। वह जानता तो सब है, उसके अवचेतन में सारी बातें हैं, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वह कोई विद्रोह नहीं कर पाता, कोई क्रांति नहीं कर पाता। तो वह हमेशा जीवन भर इसी अंतर द्वंद में जूझते रहता है कि मैं व्यवस्था के विरुद्ध कुछ कर नहीं पा रहा हूं। इस व्यक्ति का चित्र राम की शक्ति पूजा में युद्ध से लौटे हुए राम के वर्णन है। जैसे भगवान राम वापस तो आ गए हैं, लेकिन उनके मन में निराशा भले ही है, लेकिन एक उम्मीद की रोशनी भी है, एक मशाल भी है, उम्मीदों की, आशाओं की, आकांक्षाओं की, मतलब घने अंधकार में एक रोशनी जल रही है, एक मशाल है। ठीक उसी तरह यहां पर भी जो कवि है उसके मन में भी क्या है, एक उम्मीद तो है। उसका अवचेतन मन बार बार उम्मीद की लौ तो जला रहा है कि हम क्रांति करेंगे, इस व्यवस्था को बदलेंगे। क्योंकि भारत की आजादी के लड़ने के पहले, भारत की आजादी की लड़ाई के पहले, भारत के आजाद होने के पहले जो मध्यम वर्गी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन 1957 से 1964 के बीच में जो उसकी जो व्यवस्था थी, जो भ्रष्टाचार था, जो करप्शन था, सामाजिक जो परिस्थिति थी, तो वह उसके कारण वह अपने आप को लुटा पिटा महसूस करता है कि उसकी उम्मीदें, उसकी आकांक्षाएं कभी पूरी नहीं हो पाई जिनको लेकर उसने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। दूसरा खंड क्या है? यह रक्तालोक स्नात पुरुष। रक्तालोक स्नात पुरुष मतलब जो लाल रंग की रोशनी से नहाया हुआ है, जो बिल्कुल चमक रहा है। मतलब रक्तालोक स्नात पुरुष कविता के दूसरे खंड में वाचक से मिलने आता है। तो उसके जो अवचेतन मन है वह चेतन मन से मिलने आता है। वाचक उसे अपने में समो लेना चाहता है, वाचक अपनी कमजोरी के कारण उसे मिल नहीं पाता। तो जो अवचेतन मन है उसे आग्रह करने आता है चेतन मन से, मैं से, वह मतलब अवचेतन मन, वह उसे आग्रह करता है कवि से, मैं से, कि भाई तुम कुछ क्रांति करो, कुछ अच्छा करो, इन परिस्थितियों को बदलने के लिए कुछ करो, कुछ लिखो। लेकिन चेतन मन क्या है? डरपोक होता है। तो वह उसके मन में कमजोरी है, वह डरता है कि कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, कहीं मुझे जेल में ना डाल दिया जाए, मुझे प्रताड़ित ना कर दिया जाए, इसलिए क्रांति की ओर अग्रसर नहीं होता, कवि क्रांति की ओर अग्रसर नहीं होता। मुक्तिबोध की कविता मुक्तिबोध की कविता मध्य वर्ग की खोखली कृत्रिमता से भी हमारा परिचय कराती है। कविता का यह खंड मध्य वर्गीय झिझक को भी खोलकर सामने रखता है। तो कविता का दूसरा भाग है वास्तव में मध्य वर्ग की बेचैनी को लेकर लिखी गई है, जिसमें मध्य वर्ग क्या करता है, वह कृत्रिम है, वह हमेशा अपना हानि लाभ को देखकर फैसला करता है, कोई भी निर्णय तुरंत नहीं लेता, कोई भी क्रांति करने के लिए, समाज को बदलने के लिए वह अग्रसर नहीं होता है। तो वह हमेशा झिझकता रहता है कि मुझे क्या करना है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं किसी चीज को बदल नहीं सकता, उसे तो बस महीने में अपना EMI पे करना है और उधार लेकर सुविधाभोगी जिंदगी जीना है और अपने ड्राइंग रूम में बैठकर बस वर्तमान परिस्थितियों पर क्या करना है, डिस्कस करना है। तो यह कृत्रिम जीवन जीता है, उधार लेकर शो ऑफ करता है, दिखाता है, बड़ा बड़ा ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदता है EMI से और समाज को दिखाता है सुविधाभोगी जीवन जीना चाहता है, इसको एक कवि यहां पर दिखाना चाहता है अपने माध्यम से। तीसरा खंड क्या कहता है कविता का? कविता में कुल 8 खंड है, अलग अलग खंड में अलग अलग बातें हैं। तीसरे खंड में क्या होता है, भय और आतंक का वातावरण यहां पर दिखाया गया है, लेकिन बीच कविता में कहीं कहीं आस्था का एक सूत्र की झलक मिल जाती है। आस्था मतलब विश्वास और उम्मीद, जैसे भगवान राम की शक्ति पूजा में जो गहन अंधकार में जो मशाल है वह उम्मीदों का प्रतीक है, वैसे यहां कहीं कहीं पर आस्था और विश्वास के भी दर्शन होते हैं। व्यवस्था की अमानवीय साजिश और कवि आस्था के बीच टकराव से कविता में गहरी नाटकीयता पैदा होती है। मतलब वहां पर जो लोक, जो शासक वर्ग है या फिर जो राजतंत्र है या लोकतंत्र है, उसमें क्रांतिकारियों को पूरी तरह से दबा दिया जाता है आजाद भारत में, उनके खिलाफ साजिश की जाती है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है ताकि वे मुखर होकर सामने ना आ पाए। और लेकिन कवि के मन में एक आस्था, एक उम्मीद है, एक क्रांति की झलक दिखाई देती है, इससे कविता में नाटकीयता पैदा होती है। कविता के नायक को व्यवस्था अपना शत्रु समझती है, क्योंकि वह जानती है कि ये जो व्यवस्था है उसको पता है यह जो कवि है या मध्य वर्ग है या बुद्धिजीवी वर्ग है, अगर समाज में कोई परिवर्तन आएगा, राष्ट्र में कोई परिवर्तन आएगा, तो इसमें मध्य वर्ग की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। और कहीं यह क्रांतिकारी बन गया, यह कवि क्रांतिकारी बन गया, तो क्या होगा, उन्हें परेशानी होगी।
उनके लिए परेशानी खड़ी होगी, इसीलिए कविता के नायक को वे शत्रु समझती है, उसकी खोज करती है। कहने का अर्थ है कि विवेक को कभी व्यवस्था बर्दाश्त करना नहीं चाहती, मतलब जनता जब तक भोली भाली है, ना समझ है, तो वह व्यवस्था के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है, राजनेताओं के लिए या फिर जो पूंजीवादी वर्ग है उनके लिए बहुत ही अच्छा है कि जनता भोली भाली है, ना समझ है। लेकिन यदि जब उसे पता चलता है कि ये कुछ क्रांति करना चाहते हैं, तो जो पूंजीवादी व्यवस्था है, तो इस कविता में तीन प्रकार से हम इस कविता का विश्लेषण कर सकते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण से, जहां पूंजीवादी जो शक्तियां हैं सर्वहारा शक्तियों का शोषण करती हैं। दूसरा, अस्तित्ववादी दृष्टिकोण से, जहां पर जो कवि है या फिर मध्य वर्ग है उसको अपनी अस्मिता की तलाश है, जिन उम्मीदों, आइडेंटिटी की तलाश है, जिन उम्मीदों को, जिन आकांक्षाओं को लेकर उसने आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन उसका मोह भंग हो चुका है। वर्तमान जो भ्रष्टाचार को देखते हुए जो लोकतंत्र है उसमें राजनेताओं या पूंजीपति वर्ग का जो व्यवहार है उसको देखते हुए, भ्रष्टाचार को देखते हुए उसका मोह भंग हो चुका है। और तीसरा जो दृष्टिकोण है वह मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जिसमें चेतन मन, मतलब मैं, कवि का जो चेतन मन है वह मैं है और कवि का जो अवचेतन मन है वह है, उसके बीच में अंतर्द्वंद हमेशा चलता रहता है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार इस कविता का विश्लेषण हम तीन बिंदुओं के आधार पर, तीन जो विचारधाराओं के आधार पर कर सकते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा और अस्तित्ववादी विचारधारा और मनोविश्लेषणवाद। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखें। चौथा खंड क्या है? चौथा खंड एक अलग खंड है। चौथे खंड में काव्य नायक अपने को चारों तरफ से घिरा हुआ पाता है। रात्रि का अंधकार ऐसा सा घन है कि हर चीज की परछाई भयंकर मालूम होती है। कवि कविता के बीच बीच में मध्यवर्गीय स्वार्थ भावना की जमकर आलोचना करता है। तो इसमें क्या होता है, यहां पर चारों तरफ घोर निराशा का वातावरण है। रात का अंधकार बहुत ज्यादा है, एकदम नाउमीदी का दौर है, निराशा का दौर है, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता, उसे सभी चीजों की परछाई भयंकर मालूम पड़ती है। और इस बीच बीच में कविता जो है मध्यम वर्गीय स्वार्थी विचारधारा का जमकर आलोचना करता है। तो इसमें मुख्य रूप से मध्य वर्ग की आलोचना की गई है, जहां पूरा निराशामय वातावरण है। लेकिन इसके बावजूद भी मुक्तिबोध की जो कविता है, मन की आंतरिक परत और बाह्य संसार के यथार्थ दोनों स्तर पर सक्रिय है। कविता के इस अंश में भी वह बेचैनी देखने को मिलती है। इस कविता में उन्होंने मध्यम वर्गीय जो स्वार्थी विचारधारा का तो उन्होंने उल्लेख किया है, साथ ही चेतन मन और अचेतन मन के अंदर अंतर्गत जो द्वंद है, जो कवि की जो बाहरी दुनिया है जिस संसार में वह रहता है और जो उसकी जो भीतरी दुनिया है जो अवचेतन मन है, उन दोनों के बीच जो द्वंद है वह पूरी तरह से यहां पर दिखाई देता है। तो यहां पर कवि की बेचैनी को हम महसूस कर सकते हैं। पांचवा खंड क्या बताता है हमको? पांचवें खंड में कविता में मन की आंतरिक दशाओं का वर्णन है, पूरी तरह से आंतरिक दशाओं का यहां पर वर्णन किया गया है। कवि के आंतरिक भाव लहर के रूप में उसके मस्तिष्क में हलचल जगाते हैं। कवि का भाववेग और अनुभव मिलकर काव्य विवेक की रचना करता है। अब क्या होता है, कवि यहां पर कवि अपने अंदर झांकता है, अपने अंतर्मन पर विचार करता है, तो उसके मन में क्रांति की एक अलग जगती है, एक उम्मीद जगती है कि नहीं, मुझे क्रांति करना है, कुछ ऐसा लिखना है, कुछ ऐसा करना है। और ये दोनों मिलकर उसे काव्य विवेक, मतलब उसका जो काव्य विवेक, मतलब क्रांति करने की जो भावना है, परिस्थितियों को बदलने की जो भावना है, वह यहां पर जागृत हो जाती है। छठवां खंड क्या होता है? यहां पर कविता के छठे भाग में नाटक की तरह कविता में सीन बदलता है। दमन चक्र का अनुभव कविता में घटित होता है। इस स्थल पर कविता में गहरा सुनापन है। अब यहां पर यह दिखाया गया है कि कवि क्या करना चाहता है। कवि एक आंदोलन करना चाहता है, क्रांति करना चाहता है। और क्रांति जब कोई करना चाहता है, जब शासक वर्ग को पता चलता है, पूंजीवादी वर्ग को पता चलता है, तब उसका दमन किया जाता है। तो ये सब सपने में हो रहा है। तो इस स्थिति में क्या होता है, कविता में गहरा सुनापन है। तो यहां पर क्या होता है, अब उसको यातना में परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वह क्रांतिकारी बन जाता है। कवि का अंतर्मन जो है अचेतन मन से प्रेरित होकर, उसका जो चेतन मन है वह क्रांति की ओर अग्रसर होता है, तब उसे दमन चक्र का अनुभव होता है, दमन होता है उसका शासन प्रशासन के द्वारा। इसी बीच काव्य नायक को तिलक की मूर्ति दिखाई पड़ती है, बाल गंगाधर तिलक की। वह मूर्ति लहूलुहान और घायल है। तो यह कविता है, मतलब लहूलुहान और घायल, लेकिन उसमें अद्भुत संकल्प शक्ति है। तो बाल गंगाधर तिलक उनकी आजादी की लड़ाई में उसका स्मरण हो आता है कवि को, कि इतने चोट सहकर भी, इतने घाव सहकर भी, इतनी पीड़ा के बाद भी उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति दिखाई देती है। गांधी जी अपना उत्तरदायित्व काव्य नायक को सौंपते हैं, उसी समय गांधी जी भी दिखाई देते हैं। और गांधी जी कहते हैं कि बेटा, अब बाकी आगे का जो उत्तरदायित्व है भारत की आजादी के बाद, आगे जो कुछ करना है वह तुम सबको करना है, मुझे जो करना था वह मैं कर चुका, और यह उत्तरदायित्व तुम लोगों का है कि एक
सफल और अच्छे राष्ट्र का तुमको निर्माण करना है और इन भ्रष्टाचार और इन सभी जो पूंजीवादी शक्तियां इनका तुम्हें उन्मूलन करना है। यहां आकर काव्यनायक सक्रियता के महत्व से परिचित होता है। तो यहां पर जो मैं है या जो कवि है उसको पता चलता है कि वह बेकार नहीं है, मध्यम वर्ग जो है वह बेकार नहीं है, बल्कि वह बहुत कुछ कर सकता है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। बुद्धिवाद की अकर्मण्यता की यहां पर मृत्यु होती है। तो अभी तक जो मध्यम वर्ग या फिर जो कवि है वह क्या था, बुद्धिवादी था, लॉजिकल था। वह हमेशा चीजों को सिर्फ अपने ड्राइंग रूम में बैठकर डिस्कस करता था और सिर्फ चर्चा परिचर्चा तक रहता था, मतलब क्या सही है क्या गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर वह कुछ करता नहीं था, वह सक्रिय नहीं था, सिर्फ डिस्कस करता था। तो वह अकर्मण्य था, कुछ करना नहीं चाहता था। लेकिन यहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है और वह कुछ करने के लिए अग्रसर होता है कि नहीं, मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठकर बस बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं क्रांति की ओर अग्रसर हो जाऊंगा। एक असफल जीवन दृष्टि से काव्यनायक मुक्त होता है। तो यहां पर उसकी निष्क्रियता समाप्त होती है और वह बोलता है कि मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। इसके बाद काव्यनायक भीषण यातनामय प्रक्रिया से गुजरता है। दमन तंत्र विचारों की सक्रियता को प्रतिबंधित करता है। काव्यनायक अब अभिव्यक्ति के संपूर्ण खतरे उठाने को तैयार है। वह क्रांति के द्वारा परिवर्तन को तैयार हो जाता है। और जब कवि क्रांति के लिए तैयार होता है तो जो शासन प्रशासन उसका दमन करते हैं, उसे बहुत ज्यादा यातना देते हैं कि तुम क्रांतिकारी मत बनो। लेकिन इसके बावजूद भी जो कवि क्या है, क्या बोलता है, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तोड़ने ही होंगे गढ़ और मठ सारे। मतलब अब वह क्रांति की ओर अग्रसर होता है, बोलता है चाहे भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन मुझे क्रांति करना है, मुझे इंकलाब लेकर आना है राष्ट्र में, और इन जो दमन चक्र वाली जो परिस्थितियां हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो पूंजीवादी शक्तियां हैं, इनका मुझे उन्मूलन करना है। तो ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, तो इस प्रकार क्रांति के करने के लिए वे तैयार हो जाते हैं, उनका चेतन मन। सातवां खंड क्या है, सातवें खंड में फिर एक निराशावादी प्रवृत्ति है। कविता के सातवें खंड में काव्यनायक दम छोड़कर भागता है। काव्यनायक अपने वर्गीय चरित्र से परेशान है, वह पूंजीवाद के भ्रम को समझता है, वह इस छल से मुक्त होने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसका बहुत ज्यादा दमन हो जाता है तब, लेकिन काव्यनायक क्या है, मध्यम वर्गीय है, भले ही वह सोचता है अग्रसर तो होता है, लेकिन फिर वह डर जाता है, बीच में फिर भागता है। वह पूंजीवाद को एक भ्रम, पूंजीवाद के भ्रम को समझता है। वह जानता है कि यह पूंजीवाद जो है, जो शोषक वर्ग के द्वारा सर्वहारा वर्ग का, जो मजदूर वर्ग का जो दमन किया जा रहा है, जो उनका शोषण किया जा रहा है, वह केवल भ्रम है, एक न एक दिन यह परिस्थितियां समाप्त होंगी। वह इस छल से मुक्त होने की कोशिश करता है, लेकिन दमन चक्र से घबराकर भागता है। लेकिन बाद में क्या होता है, आठवें खंड में फिर से उसमें उम्मीद जगती है। यह कविता का आठवां अंतिम खंड है। कविता के इस खंड में पूंजीवादी शोषण में शोषक का चेहरा स्पष्ट हो जाता है, बौद्धिक वर्ग भी इस शोषण में शामिल है। तो आठवें खंड में जब वह देखता है, चलो एक बार देखते हैं कि यह शोषक वर्ग है कौन, क्या सिर्फ पूंजीपति वर्ग ही शोषक वर्ग है, तो बाद में उसे पता चलता है कि केवल पूंजीपति वर्ग ही शोषक वर्ग नहीं है, बल्कि इसमें समाज का बुद्धिजीवी वर्ग भी शामिल है, राजनेता भी शामिल है, पत्रकार भी शामिल है, लेखक भी शामिल है, कवि भी शामिल है। तो इस प्रकार से शोषकों का चेहरा भी पता चल जाता है। जनसंचार माध्यम भी इसी शोषण का एक अंग है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, यह भी शोषणकारी जो शक्तियां उनका समर्थन कर रहे हैं। अब कविता में जन क्रांति की आशा जगती है। संघर्ष तीव्रतर होता है, शोषित लोगों का दुख दर्द सामूहिक पीड़ा में रूपांतरित हो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, जब कभी जो क्रांति की ओर अग्रसर होता है, तभी तक वह अकेला लड़ रहा था अपने अंतर्द्वंद से, बाद में जो बहुत सारे लोग हैं, जो जनता है, वह भी उसके साथ इस क्रांति में कवि के आह्वान पे कवि के साथ शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार कवि के साथ एक जन समूह शामिल हो जाता है, पूरा समाज शामिल हो जाता है, और संघर्ष बहुत ही तीव्रतर होता है। शोषित लोगों का दुख दर्द सामूहिक पीड़ा में रूपांतरित हो जाता है। तो यहां पर जो व्यक्तिगत जो पीड़ा थी, वास्तव में वह सामूहिक पीड़ा में बदल जाती है, और जो व्यक्तिगत संघर्ष है कवि का, वह पूरे सामाजिक संघर्ष में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन कविता में एकाएक स्वप्न बिखरता है। कविता के अंत में कवि जनता के बीच जाने की आकांक्षा व्यक्त करता है, वहीं से परम अभिव्यक्ति संभव है। कवि प्रत्येक चरित्र की गतिविधि को देखता है और उसे जानने का प्रयत्न करता है। इसके बाद क्या होता है, कवि जाग जाता है और उसका स्वप्न बिखर जाता है। लेकिन कवि को क्या है, यहां पर क्या उसको संदेश मिलता है कवि को और चेतन मन के माध्यम से, कि नहीं, अब मैं ऐसी कविता लिखूंगा, मैं ऐसी कविता लिखकर जनता के बीच जाऊंगा जिसमें क्या है, उसकी आकांक्षाएं, जनता की जो आकांक्षाएं हैं उसके उसमें अभिव्यक्त करेगा, क्रांति के लिए जागृत करेगा, और इसी के माध्यम से परम अभिव्यक्ति संभव है। और इस प्रकार कवि जितने भी चरित्र हैं, मतलब जो शोषक वर्ग हैं, शोषित वर्ग हैं, सभी को जानने समझने का प्रयास करता है, और वह संकल्प लेता है कि वह ऐसी कविताएं लिखेगा
जो समाज में परिवर्तन लाएंगे, जो भ्रष्टाचार को दूर करेगा, पूंजीवादी व्यवस्था को दूर करेगा और एक बहुत ही सफल और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करेगा जिसमें सभी लोग सुखी होंगे, समृद्ध होंगे, और जिसके लिए उसने आजादी की लड़ाई में भाग लिया था मध्यम वर्ग ने। तो यह कविता का यह है। अब हम देखेंगे अंधेरे में कविता का शिल्प और ढांचा। तो अगर आप संक्षेप में हम कहें तो इस कविता में मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों के चरित्र को दिखाया गया है, शोषक और शोषितों को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है और कवि के द्वारा अस्मिता की खोज की गई है, आइडेंटिटी की खोज है इस कविता में। और इस कविता में कवि के चेतन मन और अचेतन मन के अंतर्द्वंद को दिखाने का प्रयास किया गया है। अब अंधेरे में कविता का शिल्प क्या है और ढांचा क्या है, किस शैली में लिखी गई है, इसका ढांचा क्या है, फॉर्मेट क्या है, फॉर्म क्या है। फैंटेसी शिल्प का प्रयोग, मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में फैंटेसी शिल्प का प्रयोग मिलता है। फैंटेसी शिल्प कविता लिखने की एक टेक्निक है जिसमें कवि संभाव्य संसार की रचना करता है, मतलब वह संसार जो होना चाहिए या जो हो सकता है, एक ऐसी काल्पनिक संसार की यह रचना करता है। फैंटेसी के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। यह फैंटेसी हमें किसी स्वप्नलोक में नहीं ले जाती है, यह फैंटेसी हमारे अनुभव को अधिक वास्तविक ढंग से रखने का प्रयास करती है, लेकिन वास्तव में यह फैंटेसी शिल्प है। यह सिर्फ हमको कल्पनालोक में लेकर नहीं जाती बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो वास्तविकता है, जो हमारे खुद के निजी अनुभव है या कवि के निजी अनुभव है, उसको वास्तविक रूप में मूर्त रूप देने का प्रयास करती है ताकि हम उसे अच्छे भली भांति समझ सके। अंधेरे में कविता एक फैंटेसी है, यह कविता स्वप्न में चलती है, मतलब स्वप्न में चलने वाली कविता है। कविता के स्वप्न में हमारे जीवन के खुरदुरे सच को जटिलताओं में अभिव्यंजित करने की ताकत है। तो यह कविता स्वप्न शैली में लिखी गई है और हमारे जीवन की जो कठिनाइयां हैं, हमारे जीवन का जो खुरदुरापन है, जो निराशा है, जो अंतर्द्वंद है, उसको, जो जटिलताएं हैं जीवन में, उसको अभिव्यंजित करने की इसमें ताकत है, एक्सप्रेस करने की इसमें क्षमता है। स्वप्न के भीतर स्वप्न में कविता गतिमान है, कवि स्वप्न देखता है, स्वप्न के भीतर भी स्वप्न गतिमान है। व्यवस्था का आतंक और काव्य नायक का आत्मसंघर्ष फैंटेसी को सघन और गहरा बनाते हैं। मतलब काव्य नायक के अंतर्गत क्या है, इसके काव्य नायक में अंतर्द्वंद चलता रहता है चेतन मन और अचेतन मन में, और साथ ही व्यवस्था का आतंक भी है। कविता में डरे हुए और सहमे हुए व्यक्ति की मनोवृत्ति की स्पष्ट छाया मिलती है। मतलब कविता में जो क्या है, मध्य वर्ग है वह बहुत ज्यादा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, कवि स्वयं डरा हुआ सहमा हुआ है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, तो इसका स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देती है। कई ऐसे ऐसे दृश्यों का उन्होंने निर्माण किया है, भयपूर्ण वातावरण का निर्माण किया है, गोली चलने, रात में ट्रेन दुर्घटना, अथवा लगातार भागने का दृश्य कविता में विद्यमान है, जैसे हॉरर फिल्मों में होता है। कविता में हर स्थान पर भय का वातावरण बना हुआ है, डर का वातावरण बना हुआ है, आतंक का वातावरण बना हुआ है। अब अंधेरे में कविता की भाषा कैसी, अंधेरे में यहां पर क्या है, निराशा को व्यक्त करता है। अंधेरे में जो शब्द है यह क्या है, निराशा को, सामाजिक अमानवीयता को, शोषण को व्यक्त करता है। अंधेरे में कविता की भाषा कैसी है, जो यहां पर उन्होंने जहां जहां जिस प्रकार की जरूरत है उस प्रकार की भाषा का उन्होंने यहां पर प्रयोग किया है, तत्सम शब्दावली, तद्भव और मराठी शब्द और उर्दू फारसी के शब्द और अंग्रेजी के शब्दों, इन सभी प्रकार के शब्दों का उन्होंने यहां पर प्रयोग किया है। तो कवि नई भाषा में हमारे अनुभव को प्रस्तावित करने का सार्थक प्रयास करता है। तो इस प्रकार कविता की भाषा एक नई प्रकार की भाषा है जिसे हमारे अनुभव को सही ढंग से अभिव्यक्ति मिल सके। कविता संस्कृत के शब्दों के साथ उर्दू के प्रयोग से भाषा की विजातीयता को प्रस्तुत करती है। तो यहां पर संस्कृत की तत्सम शब्द वाली का ही प्रयोग नहीं किया गया है बल्कि एक विजातीय शब्द उर्दू, अरबी, फारसी के शब्दों को भी यहां पर प्रयोग किया है इन्होंने। कहानी और उपन्यास की भाषा को काव्यात्मक अभिव्यक्ति देने में एक जोखिम है, मुक्तिबोध इस जोखिम को उठाते हैं। मतलब जो कहानी और उपन्यास की भाषा कविता की भाषा से अलग होती है, काव्य की भाषा से अलग होती है, लेकिन उन्होंने इस काव्य में कहानी और उपन्यास की भाषा का प्रयोग करके एक जोखिम उठाया है, एक खतरा मोल लिया है, लेकिन वे इसमें पूरी तरह सफल होते हैं। अंधेरे में कविता में वर्णनात्मक भाषा का काव्यात्मक प्रयोग मिलता है। तो इस प्रकार यद्यपि इसकी भाषा गद्य जैसी भाषा है, लेकिन वर्णनात्मक जो भाषा होती है, कहानी की, निबंध की या फिर उपन्यास की, उस प्रकार की भाषा का प्रयोग उन्होंने इसमें काव्यात्मक रूप से उसका प्रयोग किया है। तो हमको गद्य और पद्य दोनों को पढ़ने के हमें इसमें अनुभूति प्राप्त होती है, अनुभव होता है। कविता का नया सौंदर्य शास्त्र, इसकी खूबसूरती क्या है, बिना रस छंद अलंकार का प्रयोग किए उन्होंने कितना सुंदर कविता उन्होंने लिखी है। मुक्तिबोध की कविता तत्व अभिव्यक्ति और दृष्टि विकास के लिए संघर्ष करती है। तो इसमें कंटेंट के स्तर पर, इमोशंस दोनों के स्तर पर, विषय वस्तु के स्तर पर और भावनात्मक स्तर पर, दोनों यहां पर विकास के लिए उनकी कविता यहां पर संघर्ष करती है और पूरी तरह सफल होती है। कविता का वैचारिक परिप्रेक्ष्य,
मतलब कंटेंट हो जो उसका सब्जेक्ट मैटर हो, अथवा शिल्प अथवा बनावट और बुनावट है जो भाषा शैली का प्रयोग है जो शिल्प है। इसके लिए कहीं भी कवि के लिए रास्ता बनाया नहीं है, मतलब कवि ने जिस शैली में इस कविता को लिखा है उसके लिए उनके पास कोई बना बनाया मार्ग नहीं है, उनसे पहले किसी कवि ने ऐसा प्रयास नहीं किया है, तो इसके लिए उन्हें प्रयास संघर्ष करना पड़ता है। गहन अनुभव उनका जो मतलब डीप उनका एक्सपीरियंस है जिंदगी का, और तीव्र वैचारिक संघर्ष और जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है के बाद वे कविता को प्राप्त करते हैं। मतलब यह कविता उनके गहन अनुभव का परिणाम है, जीवन का जो अनुभव है और जो उनके मन में चलने वाले वैचारिक अंतर्द्वंद है उन सभी के जो संघर्ष का परिणाम है यह कविता। इसीलिए उनकी कविता पारंपरिक काव्य ढांचा तोड़कर नया सौंदर्य शास्त्र करती है। इसलिए इस कविता में हम जिस सौंदर्य का दर्शन करते हैं, उन्होंने जो सौंदर्य शास्त्र निर्मित किया है वह कविता के पारंपरिक ढांचे से पूरी तरह से अलग है, और ऐसा प्रयास हिंदी साहित्य में पहले कभी किसी कवि ने नहीं किया है। इसके बाद महाकाव्यात्मक ढांचा। अब महाकाव्य क्या होता है? महाकाव्य में या तो हम कोई पौराणिक नायक देखते हैं या फिर हमारे जीवन से कोई बहुत बड़ा नायक उठाया जाता है जिसका जीवन बहुत उदात होता है और बहुत सारे विषय वस्तु को इसमें समेटा जाता है। तो इस कविता का ढांचा आप कह सकते हैं कि महाकाव्यात्मक ढांचा है। अंधेरे में कविता, इस कविता का नायक किसी मिथक से पैदा नहीं हुआ है बल्कि वह हमारे समाज से ही पैदा हुआ है। मिथक क्या होता है? मिथक मतलब जहां पौराणिक कथा कहानियां इत्यादि होते हैं। मिथक वह अपने समय की व्यवस्था के प्रतिरोध में खड़ा एक साधारण मनुष्य है। लेकिन अंधेरे में कविता का नायक कौन है? एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति है जो व्यवस्था के प्रतिरोध में, व्यवस्था के विरोध में, शोषण और अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो खड़ा होता है वह एक साधारण मनुष्य है, लेकिन उसमें महानायक की गरिमा विद्यमान है, महानायक की उदात्तता विद्यमान है। वह अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए कृत संकल्प है। वह संकल्प लेता है कि वह अपने समाज को बेहतर बनाकर ही लेगा, दृढ़ निश्चय है उसमें, लेकिन उसमें उसकी अपनी कमजोरियां भी है जिसका बेबाक वर्णन मुक्तिबोध ने किया है। मतलब वह एक ऐसा नायक है, वह ऐसा महानायक है जिसमें कमजोरियां भी हैं लेकिन इसके बावजूद भी वह दृढ़ संकल्पित है कि वह इस समाज को अच्छा बनाकर रहेगा। इस जो अव्यवस्था का जो दौर है, जो आतंक का दौर है, भ्रष्टाचार का दौर है, निराशा का जो दौर है, उसे वह दूर करके ही दम लेगा, पूंजीवाद को नष्ट करके ही दम लेगा। इस स्पष्टवादी मनोवृत्ति के कारण ही मुक्तिबोध की कविता में अराजकता मिलती है। इस अराजकता में एक शक्ति है, यह शक्ति उन्हें अंधकार से लड़ने का साहस देती है, और शायद यही कारण है कि गजानंद माधव मुक्तिबोध की कविताओं में हमको अराजकता दिखाई देती है, कोई व्यवस्था नहीं दिखाई देती, एट रैंडमली हम पढ़ते चले जाते हैं। मतलब विभिन्न प्रकार की बेतरतीब घटनाएं हमको यहां पर देखने को और पढ़ने को मिलती हैं इनकी कविताओं में, शायद यही कारण है। लेकिन इस अराजकता में भी एक शक्ति है, इस अव्यवस्था में भी एक व्यवस्था है, और यही शक्ति है जो उन्हें अंधकार से लड़ने का साहस देती है, जो घोर निराशा और अंधकार के क्षणों में एक उम्मीद और आशा जगाती है, उनकी आकांक्षाओं और आशाओं, उनके सपनों को साकार करने के लिए एक रोशनी का दिया जलाती है। अब अंधेरे में कविता का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? अंधेरे में कविता का मुख्य प्रतिपाद्य अथवा उद्देश्य अथवा विषय वस्तु क्या है, यहां पर हम आते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भारतीय समाज है उसकी जो महत्वपूर्ण इकाइयां हैं वे आधुनिक मूल्य बोध के दबाव में दबकर विश्रृंखलित और अर्थशून्य हो गए थे। उनके टूटन की गहन पीड़ा भारतीय आत्मा में दिखाई पड़ रही थी। मुक्ति बोध ने इन स्थितियों का सामना किया था। मतलब जब भारत आजाद हुआ तब लोगों को लगता था अंग्रेज जब चले गए अब हमारे जीवन में बहुत ही खुशियां आएंगी, हम बहुत अच्छे राष्ट्र में रहेंगे, लोग ईमानदार रहेंगे, राष्ट्र के लिए समर्पित रहेंगे। लेकिन उन्हें मिलता क्या है? तो उनको जो भ्रष्टाचार है, शोषण है, यह सभी उनको स्वतंत्रता की थाली में परोस दी गई। तो ऐसी स्थितियों का उन्होंने सामना किया था। मतलब जनता की जो उम्मीदें हैं, जो आशाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, वे पूरी तरह से टूट चुकी थी, कि उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, कि उनको लगता नहीं था कि हम आज स्वतंत्र भारत में हम यहां पर रह रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज चले गए थे लेकिन उनकी व्यवस्था जैसी अंग्रेजों की व्यवस्था थी वैसे ही जस की तस बनी हुई थी। बस अंग्रेजों का स्थान क्या है भारतीयों ने ले लिया था। मुक्तिबोध की इस कविता में मध्य वर्ग के छल के प्रति तीव्र वितृष्णा का भाव मिलता है। अंधेरे में कविता एक तरफ समाज का सच है तो दूसरी तरफ कवि मुक्तिबोध के अपने आत्म संघर्ष की कहानी भी है। इस कविता में कवि ने मध्य वर्ग की मानसिकता की गहरी आलोचना की है। इस कविता में कवि ने देखा कि मध्य वर्ग क्या है। आजादी के बाद मध्य वर्ग को मन में ऐसा हो गया मुझे क्या करना है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, मुझे क्या करना है। और वह हमेशा सोच समझ कर वह कोई भी निर्णय लेता था, उसे ज्यादा राष्ट्र के उत्थान और विकास से कोई मतलब नहीं रह गया था, वह सुविधा भोगी हो गया था। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि EMI से सामान खरीदना और उसका उपभोग करना, उसको बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं था। वह सिर्फ अपने ड्राइंग रूम में बैठकर सिर्फ उन चीजों पर चर्चा कर सकता था, राजनीति पर, करप्शन पर, इन सब बातों पर।
तो इस तरफ अंधेरे में कविता एक तरह से हमको समाज का सच भी दिखाती है। इसके साथ ही साथ कवि गजानंद माधव मुक्ति बोध के अंतर मन में चलने वाला जुड़ात्म संघर्ष है, जो चेतन मन और अचेतन के मन के बीच में जो उनका द्वंद है, अंतर द्वंद है, उसका भी यहाँ पर हमको वो भी यहाँ पर परिलक्षित होता है। लेकिन इस कविता के माध्यम से कवि गजानंद माधव मुक्ति बोध ने मध्यम वर्ग के का जो दृष्टिकोण है उसकी गहरी आलोचना की है। मध्यम वर्ग के सामने आदर्श और सिद्धांत का एक प्रतिमान होता है, वह उसे निर्धारित मूल्यों के बीच जीना चाहता है, लेकिन सिद्धांत और मूल्यों का जाल ऊपर से दिखाई देता है। तो वास्तव में जो मध्यम वर्ग क्या करता है, वह अपना सिद्धांत बनाकर रख लिया है, लेकिन वह अपने सिद्धांतों का पालन वहीं तक करता है जब तक उसे कोई असुविधा ना हो। जहां जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा बहुत रिश्वत भी लेकर अपना काम निकाल लेगा। ट्रैफिक पुलिस ने उसको रोक लिया बिना हेलमेट पहने हुए तो कुछ पैसा देकर वह वहां से निकल जाना चाहेगा, और बाद में वह आलोचना भी करेगा कि ट्रैफिक पुलिस बहुत करप्ट है। तो इस टाइप का मध्यम वर्ग है, तो अपने सिद्धांत और नियम कानून तो बना लेता है, लेकिन वह उनका पालन उसी स्थिति तक करता है जब तक उसे कोई असुविधा ना हो, नहीं तो वह उसमें खुद ही इन्वॉल्व हो जाता है। तो उसके सिद्धांत तो ऊपरी है, दिखावा है, क्योंकि मध्यम वर्ग के अंतःकरण में सुविधा भोग के प्रति आकर्षण बना हुआ है। वह सुविधावाद के लिए अपने मूल्यों और सिद्धांतों को त्यागने में नहीं हिचकता। तो जो मध्यम वर्ग होता है उसे क्या, वह तो बुद्धिजीवी होता है, पढ़ा लिखा होता है, और वह सुविधा भोगी होता है। वह अपनी सुविधाओं के लिए बहुत सारी चीजों को जुटाना चाहता है, और अपने सुविधाओं के लिए कई बार वह क्या करता है, अपने सिद्धांतों को त्यागने में ही नहीं हिचकता है। जैसे वह ट्रेन में वह यात्रा कर रहा है, उसे रिजर्वेशन नहीं मिला तो टीटी को वह कुछ रिश्वत देकर पैसा देकर अपने लिए क्या है, सीट का जुगाड़ कर लेता है, लेकिन बाद में वह बोलेगा कि सारे टीटी करप्ट है। तो इस प्रकार का मध्यम वर्ग होता है, तो उसके जो मूल्य और सिद्धांत वहीं तक कारगर होते हैं जहां तक उसको असुविधा ना हो, बाद में वह खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, उसका हिस्सा बन जाता है, ऐसा इनका मानना है। तो ये जो मैं उदाहरण दे रहा हूं यह सिर्फ उदाहरण के लिए, यदि आप इन सभी जॉब को कर रहे हैं तो व्यक्तिगत तौर पर लेने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं कि मध्यम वर्ग का जो व्यवहार होता है वह मुक्ति बोध के अनुसार कैसा होता है। मध्यम वर्ग के बाह्य व्यक्तित्व और आंतरिक व्यक्तित्व में काफी फर्क होता है। बाह्य व्यक्तित्व मतलब उसका जो चेतन मन है और अचेतन मन है। चेतन मन तो सोच समझ कर काम करता है और अचेतन मन उसके कंट्रोल में नहीं होता है। तो उसके बाहरी व्यक्तित्व जो बाहर से जैसा दिखाई देता है और अंदर से जैसा होता है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। मुक्ति बोध इस भ्रम जाल के आलोचक है। मुक्ति बोध अंधेरे में मैं इस कविता में इसकी आलोचना करते हैं, और मध्य वर्ग की कृत्रिम और खोखली जिंदगी में आत्मा के लिए कोई स्थान नहीं है। तो गजानंद माधव मुक्ति बोध का यह मानना है कि मध्यम वर्ग की जो जिंदगी है, जो मिडिल क्लास की जो जिंदगी है, वह कृत्रिम है, खोखली है, और इसमें आत्मा के लिए ईमानदारी के लिए कोई स्थान नहीं है। पेट की चिंता में आत्मा को बेचने की प्रवृत्ति गलत है। मुक्ति बोध के लिए अनात्म होना उदात्त मूल्यों से हीन होना है। गजानंद माधव मुक्ति बोध कहते हैं, किसी तरह अपनी सुविधाओं को देखते हुए सिर्फ अपने पेट के लिए, सिर्फ अपने जीवन यापन करने के लिए अपने को मूल्यों से सिद्धांतों से समझौता करता है तो यह गलत प्रवृत्ति है। इसके बजाय तो व्यक्ति को मर जाना ही ज्यादा अच्छा है। कवि का विश्वास शाश्वतता में नहीं है, शाश्वत मानवीय मूल्यों में है। कवि का कहना है कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है, लेकिन जो मानवीय मूल्य है, जो जीवन मूल्य है, वह हमेशा से विद्यमान रहेंगे, हमेशा शाश्वत रहेंगे। इसलिए व्यभिचारी का बिस्तर होना कवि के लिए असह्य है। व्यभिचार को आडंबर से ढक देना दोषपूर्ण है। इसलिए कहते हैं कि समाज में जो व्यभिचार है, समाज में जो भी दुराचार वगैरह हो रहे हैं हमारे समाज में, जो भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उसको अपने आडंबर से ढक देना दोषपूर्ण है। हमको उसको दूर करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। मध्य वर्ग में जीवन के प्रति निष्क्रियता का बोध विकसित हुआ है। पूंजीवाद ने सर्वप्रथम उसे अकेला बनाया है, फिर उसे स्वार्थी बनने की दिशा में प्रेरित किया है। दुख भी उसके लिए दिखावे का साधन है। दुख में वेदना होना स्वाभाविक है, परंतु उन दुखों को समाज में तंगे सा दिखाने की मानसिकता गलत है। तो भले ही लोग यह दिखाते हैं कि मैं बहुत दुखी हूं, और या फिर मध्यम वर्ग के लोग बहुत ज्यादा दुखी दिखाते हैं अपने आप को कि भाई मैंने सब कुछ किया राष्ट्र के लिए और देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, तो दुख दिखाते हैं कि मेरा जीवन बहुत दुखी है। तो दुख में वेदना तो स्वाभाविक है, लेकिन हम इसको समाज में ऐसा दिखें कि हमारा कोई सर्टिफिकेट है, तो यह गलत है, इनका मानना है। अपने स्वार्थ को प्राथमिक मानना भी उचित नहीं है। राष्ट्र, समाज, जीवन दर्शन और विचार को स्वार्थ केंद्रित बनाने की प्रवृत्ति गलत है। अकेलेपन में सकर्मक कार्य क्षमता कुंठित होती है, जीवन का उल्लास और उमंग मंद पड़ता है। इस प्रकार केवल अपना निहित स्वार्थों के लिए जीवन जीना, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए जीवन जीना, केवल अपने राष्ट्र के लिए, केवल अपने समाज के लिए, या फिर अपने व्यक्तिगत रूप से अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए जीवन जीना, जीने की प्रवृत्ति गलत होती है। और इसी साथ उन्होंने एकांगी जो जीवन दृष्टिकोण होता है, अकेलेपन की जो कुंठा होती है, जो त्रासदी होती है, इससे क्या होता है, जीवन का उल्लास उमंग मंद हो जाता है।
मतलब कोई व्यक्ति यदि अपने समाज के बारे में ना सोचे, राष्ट्र के बारे में ना सोचे, सिर्फ अपने बारे में सोचे कि मुझे असुविधा नहीं होनी चाहिए, मेरी उन्नति होनी चाहिए, तो इससे क्या होता है, जीवन का उल्लास मंद पड़ जाता है। जिंदगी में दिशा और उद्देश्य का होना ही आवश्यक नहीं है, उसके लिए प्रयत्नशील होना भी जरूरी है। तो मध्यम वर्ग क्या करता है, उसकी जिंदगी में दिशा भी है, उद्देश्य भी है, वह जानता है कि उसे क्या करना है और क्या क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए, क्या सही और क्या गलत, लेकिन वह सक्रिय नहीं होता, प्रयत्नशील नहीं होता। जानता जरूर है लेकिन उसके लिए कोई प्रयास नहीं करता, कोई प्रयत्न नहीं करता। तो वास्तव में जिंदगी में सिर्फ दिशा और उद्देश्य होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके लिए आपको प्रयास भी करना पड़ता है कुछ हासिल करने के लिए। मध्य वर्ग में निश्चित दिशा और उद्देश्य का ही अभाव नहीं है, उसमें सकर्मक प्रयत्न का अभाव भी दिखाई पड़ता है। तो आप यह कह सकते हैं कि कभी कभी तो मध्यम वर्ग उसमें यह पता चलता है कि उसमें दिशा और उद्देश्य है, कभी यह भी लगता है कि उसमें कोई दिशा और कोई उद्देश्य नहीं है, और उसमें प्रयत्न का भी अभाव है। मतलब पूरे मध्यम वर्ग को हम कंडेम नहीं कर सकते, उनकी भर्त्सना नहीं कर सकते। कुछ मध्यम वर्ग ऐसे भी होते हैं जो इन सब परिस्थितियों से ऊपर उठकर बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन उन्होंने जनरलाइज किया है कि आमतौर पर जो मध्यम वर्ग होता है उसमें ना तो कोई दिशा होती है, ना तो कोई उद्देश्य होता है, और ना ही कोई इनमें प्रयत्न होता है। तो ये उनकी विचारधारा है, इससे हम सहमत या असहमत हो सकते हैं। स्वार्थी मनोवृत्ति ने मनुष्य को संवेदनहीन बना दिया है, व्यक्ति में कोई संवेदना नहीं रह गई है, बहुत ही स्वार्थी हो गया है। अभी आपने देखा होगा कि यदि कोई व्यक्ति मर रहा है तो लोग उसकी सहायता करने के बजाय उसका वीडियो बनाने लगते हैं। जैसे कोई नदी में कोई डूब रहा है तो उसका वीडियो बनाएंगे, कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया है तो किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय क्या करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं और फेसबुक व्हाट्सएप यहां पर शेयर करते हैं, अपलोड करते हैं। तो संवेदनहीनता का दौर है, उस समय से चालू हो गया था 1964 से, अभी तो आप पराकाष्ठा में। करुणा और प्रेम मनुष्य को मनुष्य जोड़ता है, आधुनिक सभ्यता के दबाव में यह तंत्र टूटकर बिखर गया है। वास्तव में हम सामाजिक प्राणी हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किस भावना से जुड़े हुए हैं? करुणा और प्रेम के माध्यम से समाज के सभी लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। लेकिन जो आधुनिक सभ्यता है इसमें यह जो तंतु है, यह श्रृंखला है जो हमें बांध कर रखती है, यह डोर प्रेम और करुणा की जो डोर है पूरी तरह से टूट गई है या टूटकर बिखर गई है, और लोग अपने जीवन में पूरी तरह से एकाकी हो गए हैं। एकांत नहीं बल्कि उनमें अकेलापन छा गया है, इसीलिए बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, और कुंठा और संतरास का वातावरण निर्मित हो गया है, क्योंकि व्यक्ति अपने मन की बात को किसी के साथ शेयर नहीं करता, बल्कि वह दिन भर मोबाइल में डूबा रहता है, देखते रहता है, दिन भर मोबाइल देखते रहता है, इंस्टाग्राम देखेगा, फेसबुक देखेगा, व्हाट्सएप देखेगा, और भी जितने भी सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा, लेकिन उसको अपने उसके फेसबुक में हजारों फ्रेंड रहेंगे, लेकिन उसके जीवन में कोई नहीं रहता, पूरी तरह से एकाकी रहता है। तो यह टूटकर बिखर गया है। मनुष्य में मनुष्य के प्रति जो पीड़ा होनी चाहिए जड़ हो गई है। तो वर्तमान समय में एक दूसरे के प्रति कोई संवेदना नहीं रह गई है, तो वहां पर कोई कितनी भी बड़ी दुर्घटना होती है लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का साधन हो जाता है कि कैसे इसका मैं फोटो खींच लूं, कैसे इसका वीडियो बना लूं, कैसे लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो इस टाइप की भावनाएं हो गई है। करुणा को त्याग कर मनुष्य पत्थर हो गया है, स्वार्थ ने उसकी मनुष्यता को नष्ट कर दिया है, स्वयं के लिए पशु भी जी लेता है, ऐसा जीवन यांत्रिक और जड़ होता है, उस प्रकार के जीवन में रचनात्मक संभावना नहीं होती है। तो इस प्रकार का जो जीवन जो आज हम जी रहे हैं, जिसमें करुणा के लिए, प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं है, स्वार्थ के कारण मनुष्य जड़ हो गया है, पत्थर की तरह हो गया है, और इस प्रकार के जीवन में कोई रचनात्मक संभावना नहीं होती, कोई अच्छा करने की संभावना नहीं होती कि देश और राष्ट्र और समाज के लिए कोई कुछ बड़ा करेंगे, क्योंकि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति केंद्रित हो गया है, उसे राष्ट्र और समाज से कोई लेना देना नहीं रह गया है, बल्कि वह अपनी दुनिया में ही खोया रहता है, वह एकाकी हो गया है और जड़ हो गया है। तो ऐसा जो उपलब्धिहीन जीवन है, यह भी क्या जीवन है? ऐसा जीवन व्यर्थता बोध की कुंठा से ग्रसित रहता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो रहता है, जो आत्म केंद्रित जो व्यक्ति रहता है, उसमें एक कुंठा भी होती है, संतरास भी होती है, निराशा भी होती है। आत्म केंद्रित और व्यक्ति केंद्रित मानसिकता के कारण देश तबाह हो गया है, परंतु स्वार्थों का नाश नहीं हुआ है, कवि की चिंता इसी बात को लेकर है। तो इस कविता में जो कवि की मुख्य चिंता है वह क्या है कि जो व्यक्ति है वह पूरी तरह से व्यक्ति केंद्रित और आत्म केंद्रित हो गया है, इंट्रोवर्ट हो गया है, सिर्फ उसको अपने से मतलब है, देश दुनिया समाज से उसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उसे अपने स्वार्थों से मतलब है, उसके मन में प्रेम और करुणा की कोई भावना नहीं रह गई है, वह देश और समाज के लिए कुछ करना नहीं चाहता। तो इसी बात को लेकर कवि की चिंता है, और यही अंतर्द्वंद उनके मन में है, और जो उनके चेतन मन और अचेतन मन में जो संघर्ष है इन्हीं सब बातों को लेकर है। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि इस कविता को आपने पूरी तरह से समझ लिया होगा, कविता के विषय वस्तु को। और यदि मेरा आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और आप लोगों से एक शिकायत और भी है
यदि मेरा लेक्चर यहां तक देख रहे हैं मतलब आपको लेक्चर मेरा अच्छा लगा होगा, और यदि लेक्चर अच्छा लगता होगा आपको तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। इससे मुझे भी प्रेरणा मिलेगी कि मैं इससे भी बेहतरीन लेक्चर्स आप लोगों के लिए लेकर आऊं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।